अगेन चूंकि ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है तो हमें देखना पड़ेगा कि होल्डिंग का कितना पोर्शन और माइनॉरिटी का कितना पोर्शन है सब्सिडियरी में और सब सब्सिडियरी में। तो पहले हमें ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और ये तो मैंने शुरू में कह दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ग्रुप स्ट्रक्चर होता है। बनाना में एप्पल ने 60% शेयर लिया तो माइनॉरिटी का शेयर हो गया 40। ये वर्ड मैं माइनॉरिटी यूज़ करता हूँ, हालांकि इसमें हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ही है लेकिन पढ़ाने में हम माइनॉरिटी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए चेरी में बनाना की 100% इन्वेस्टमेंट, लेकिन आपकी यानी एप्पल की बनाना में 60% इन्वेस्टमेंट है तो ग्रुप का शेयर 60% ही बनेगा उसका, 100 का 60% और बाकी जो एनआईसी का शेयर बनेगा 40%। तो देखिए ये ग्रुप स्ट्रक्चर बन गया। अब आए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, इन्वेस्टमेंट्स बी की तो एज इट इज ही आएगी, लेकिन बनाना में जो इन्वेस्टमेंट्स है सी में ग्रुप का शेयर 60%, तो आपने उसका 60% लेना है, 100% नहीं लेना। अब इसका जो बाकी का पोर्शन है वो एनआईसी में चला जाएगा, 850 का जो बाकी पोर्शन है वो एनआईसी में चला जाएगा। बाकी जहाँ तक शेयर कैपिटल की बात है 60-60 और रिवैल्यूएशन रिजर्व वो 450 का जो है उससे आपने चेंज किया और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्री एक्विजिशन वो आपने प्री दिया हुआ है वो प्री एक्विजिशन से शामिल हो जाएगा। तो आपकी देखें 60-60 पोर्शन लेकर आपकी गुडविल आ जाएगी 450,000। अब ये एक किस्म का लेजर ही बना हुआ है, डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये थोड़ी सी है एक फिगर जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इन्वेस्टमेंट इन चेरी 850 का 40%, 340 और वो बैलेंस वहाँ चला गया तो ये कंप्लीट हो गया 850। शेयर कैपिटल ऑफ बनाना, शेयर कैपिटल ऑफ चेरी एंड रिवैल्यूएशन ऑफ, अगेन ये परसेंटेज लिए हमने वो एनएनसी की 40-40%, रिवैल्यूएशन का भी 40%, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें देखें वो 420 माइनस 90 जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वो माइनस की तो बैलेंस आपका आ जाएगा 132 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेरी का जो है 160 का 40%, तो इसमें भी देखें जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी जा रही है 676। तो पॉइंट नोट हियर इज के नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में यूजुअली क्रेडिट ही होते हैं, लेकिन अगर वो सब सब्सिडियरी है तो सब्सिडियरी में जो होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ पोर्शन जो है वो एनआईसी में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यू गॉट द पॉइंट? अब जरा इस वर्किंग को देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंजेस कैसे आएंगे। ये भी एक तरीका है कि आप बजाय इसके के हर एक का अलग अलग करें, आप एक लेजर बना लें और तीन रख दें, जैसे पार्टनरशिप में नहीं करते थे पार्टनर्स, तो इसमें ए बी सी डेबिट और क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और प्रॉफिट फॉर द ईयर, वहीं से बैलेंस शीट से फिगरें उठाई हैं और इधर हमने कंट्रोलिंग में वो जो फिगरें डाली हैं वो इधर से हमने पोस्ट कर दी डेबिट साइड पर, एनआईसी की डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन भी आ गई और ये प्रॉफिट एंड लॉस ये 18 भी आ गया। और देखिए इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि अगर बी का टोटल करें क्रेडिट साइड का वो 420 बनता है, ठीक है, और हमने उसमें से निकाल दिया है बी में से 61 और 64 तो जो 36 बचा है वो बेसिकली आप ट्रांसफ़र कर लेंगे ए के अकाउंट में, यानी ये वो है जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है जो आपने देखा है उसमें हमने दिखाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फिगर में। सिमिलरली अगर आप सी में आए, इस इज 160, अब 160 में से हमने निकाल दिया 60 और 64, बाकी जो बताया 36 वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है ए की बुक्स में। यू गॉट द पॉइंट? सो ये भी एक तरीका है बजाय इसके, ये रिकन्सिलिएशन में ज़रा आसानी होती है, गड़बड़ नहीं होती अगर आप इस तरह से टी अकाउंट बना कर करें। अब आप देखें कि हमने सारी एडजस्ट कर ली, अब टोटल कर लें ए का क्रेडिट साइड का तो वो 774 और ये बैलेंस जाएगा टू आर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। अब आप देखें इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ भी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आएगी शायद, तो मैंने दे दी है कैलकुलेशंस कैसे, 800 थे 600 थे प्लस 450 वो जो आपने उसमें चेंज की है, लेकिन उसमें से अब माइनस करें 90 जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है,
और फिर चेरी के ऐड कर लें 7, तो 2460 आपके टोटल आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। गुडविल आपने बनाई वहाँ से निकाल ली, नेट करंट एसेट्स टोटल किया आपने सिंपली और जो आपके टोटल एसेट्स बन गए 4050। बाकी जहाँ तक है शेयर कैपिटल एज इट इज़ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी मैंने आपको वर्किंग दिखाई, वहाँ से उठाकर इसमें डाल लिया। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की फिगर भी हमने वर्कआउट किया, वो भी आ गई। तो दोनों साइडों में अगर इसका टोटल करें तो ये भी आपका 4050 बन जाता है, तो बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आइडिया ये है कि अगर आपका वर्टिकल ग्रुप बनता है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से हम वर्टिकल में सब्सिडियरी और सब्सिडियरी को कैसे एडजस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।